दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल में क्या क्या होगा, दौड़ कितनी होगी और आपकी हाइट कितनी होगी और चेस्ट कितनी होगी, इस वीडियो में बताएंगे। एसएससी जीडी का फिजिकल आ चुका है, अगर फिजिकल के बारे में जानकारी नहीं है तो वीडियो पूरी देखना, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपकी दौड़ कितनी होगी, लड़कियों की और लड़कों की दौड़ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी और चेस्ट कितनी होगी लड़कों की, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो पूरी देखना, अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपका फिजिकल में क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी में अगर आप रनिंग पास करोगे, हाइट पास करोगे, चेस्ट पास करोगे, तभी आपको आगे मौका मिलेगा मेडिकल के लिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अगर हाइट में फेल हो गए तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, रनिंग में फेल हो गए तो रनिंग में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो कोशिश करनी है कि फिजिकल में फेल नहीं होना है। तो ध्यान से देखना है फिजिकल कितना इतना होगा, दौड़ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ठीक है, चेस्ट कितनी होगी, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको फिजिकल डेट पता होगी, ठीक है, मैं आपको बता दूं आपकी जो लड़कों की दौड़ होगी, सबसे पहले लड़कों की बात करते हैं, जितने भी लड़के हैं 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होगी और 24 मिनट में कंप्लीट करनी है लड़कों को, और लड़कियों की 1600 रनिंग होगी और 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है लड़कियों ने एसएससी जीडी की दौड़, और लड़कों ने 5 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करनी है 24 मिनट में। और जो लद्दाख से लड़के आते हैं, सिर्फ लद्दाख एरिया से जो लड़के आते हैं, उनकी 1600 दौड़ होगी 6.5 मिनट में, और जो लद्दाख से लड़कियां आती हैं 8 मिनट में, मतलब सॉरी 800 मीटर 4 मिनट में कवर करनी है जो लद्दाख से आती हैं लड़के और लड़कियां, ठीक है। जो लद्दाख से नहीं आते हैं लड़के उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और जो लद्दाख से नहीं आती हैं लड़कियां उनकी 1600 8.5 मिनट में। ये हो गया आपकी दौड़। हाइट कितनी होगी, पहले एक छोटी सी जानकारी उसके बाद हाइट के बारे में बताएंगे। हाइट से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने एमटीएस में भी फॉर्म डाला हुआ है, एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है, तो अगर बुक नहीं है अभी तक एमटीएस की तो आप चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, एमटीएस और हवलदार की जो 2023 की बुक है, इसमें आपको 2150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, लगभग 15 प्रैक्टिस सेट और 100% गारंटी है कि पूरे बुक में पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है जी एमटीएस की, जिसको चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उधर से परचेज कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं हाइट की, जिनकी कास्ट जनरल और ओबीसी और एससी है, 170 सेंटीमीटर लड़कों को हाइट चाहिए और लड़कियों को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है, जनरल ओबीसी और एससी की जिनकी कास्ट है उन लड़कियों को, और ऑल कैंडिडेट एसटी जिनकी कास्ट एसटी हो, भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, मेल को लड़कों को 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और लड़कों को 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश असम जम्मू कश्मीर से आते हो, ठीक है, मतलब कि जो जनरल ओबीसी और एससी लड़के हैं इन राज्यों से, तो 165 सेंटीमीटर हाइट और लड़कियों को 155 सेंटीमीटर हाइट, और ठीक है, और इन राज्यों से अगर आप आते हो तो आपको इतनी हाइट लड़कों को और लड़कियों को इतनी हाइट। अब बात करते हैं चेस्ट की, ठीक है, चेस्ट की बात करें तो दोस्तों नॉर्मली चेस्ट, ठीक है, नॉर्मली चेस्ट 80 होनी चाहिए और 5 का फुलाव होना चाहिए, नॉर्मल जो लड़कों की चेस्ट होनी चाहिए 80 होनी चाहिए और 5 का फुलाव होना चाहिए, लड़कियों की चेस्ट नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ लड़कों की चेस्ट होगी। और जो एसटी लड़के हैं, एसटी भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, तो 76 नॉर्मल चेस्ट चाहिए और 5 का फुलाव। अगर आप इन राज्यों से आते हो, जनरल और ओबीसी और एससी लड़के, तो लगभग आपको 78 नॉर्मल चेस्ट चाहिए और 5 का फुलाव चाहिए। ये थी चेस्ट और हाइट के बारे में और दौड़ के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत।